नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप, जो कब कहां क्या बोल जाएं उन्हें खुद ही नहीं पता था। राष्ट्रपति का चुनाव हारे तो चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया और उनके समर्थक तो अमेरिकी सीनेट पर भी घुस गए। डोनाल्ड ट्रंप का विवादों से पुराना नाता है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप पर सीक्रेट दस्तावेज रखने का आरोप लग रहा है और अगस्त महीने में ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर पर FBI ने कई सीक्रेट दस्तावेजों की खोज के लिए छापेमारी भी की थी। लेकिन छापेमारी के दौरान जो बात सामने आई वो हैरान कर देने वाली है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान FBI को एक विदेशी सरकार की परमाणु क्षमताओं सहित सैन्य सुरक्षा की जानकारी वाला एक दस्तावेज हाथ लगा है। द वॉशिंगटन पोस्ट में इससे जुड़ी रिपोर्ट छपी भी है। मीडिया रिपोर्ट ने इस मामले में जुड़े लोगों का हवाला देते हुए कहा कि दस्तावेज किस सरकार से जुड़े हैं इस बात की पहचान नहीं हो सकी है, या ट्रंप के घर पर जो दस्तावेज मिले हैं वो अमेरिका के किसी मित्र देश का है या फिर शत्रु देश का। हालांकि ना तो अभी ट्रंप की तरफ से इस मामले में सफाई दी गई है और ना ही न्याय विभाग की तरफ से इस मामले में कोई बात कही गई है। ट्रंप के घर पर FBI की छापेमारी से जुड़े अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक FBI ने 8 अगस्त को फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में छापेमारी की, जिसमें 11,000 से ज्यादा सरकारी दस्तावेज मिले थे। मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि सीज किए गए दस्तावेज में से कई टॉप सीक्रेट अमेरिकी ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, जिसके लिए टॉप सीक्रेट क्लियरेंस के अलावा भी क्लियरेंस चाहिए। वहीं इन दस्तावेजों के बारे में द वॉशिंगटन रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि कुछ दस्तावेज इतने सीक्रेट हैं कि बाइडेन प्रशासन के कुछ वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों को उन्हें देखने की इजाजत तक नहीं है। आपको बता दें, अमेरिका का न्याय विभाग ट्रंप के व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद सरकारी दस्तावेजों को अपने साथ ले जाने और उन्हें फ्लोरिडा में रखने को लेकर जांच कर रहा है। ट्रंप से जुड़े लोग दावा करते रहे हैं कि राष्ट्रपति रहने के दौरान ही ट्रंप ने इन दस्तावेजों को डिस्क्वालिफाइड कर दिया था। वहीं सोमवार को रिकॉर्ड की समीक्षा के लिए एक विशेष मास्टर नियुक्त करने के ट्रंप के अनुरोध की अदालत ने इजाजत भी दे दी। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें VK News के साथ। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।